केंद्रीय जेल जबलपुर में जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के मार्गदर्शन एवं जेल उप अधीक्षक मदन कमलेश रूपाली मिश्रा के पर्यवेक्षण में दिनांक 30 जुलाई से 8 अगस्त तक 10 दिवसीय एनवेलप एवं फाइल मेकिंग कोर्स का संचालन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कराया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदियों को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार हेतु निर्भर बनाना था, ताकि वे जेल से रिहा होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके, जिसमें कुल 25 बंदियों द्वारा भाग लिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षक सुभाष पिल्लई एवं अभिषेक तिवारी द्वारा बंदियों को प्रशिक्षित किया गया। पीबीसी के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये ट्रेनिंग सेशन आरसीटी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया है। ये फाइल मेकिंग, एनवलप मेकिंग एंड डॉल एंड शोकेस मेकिंग प्रशिक्षण किया गया है, जिसमें आज आखिरी दिन है। इसमें यहाँ पे आज परीक्षा का सेशन है। इसमें इन्होंने जो भी कुछ सीखा है 8-10 दिन में, मतलब 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के बीच में, उनका परीक्षा सेशन है, जिसमें लिखित एग्जाम है और मौखिक एग्जाम है और प्रैक्टिकल सेशन है। इसके पीछे आरसीटी का और सेंट्रल बैंक का उद्देश्य ये है कि जो हमारे भाई लोग यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कारागार में हैं, वो इन दिनों को अच्छे से कैसे उपयोग कर सकते हैं और कोई नई स्किल या नया व्यापार शुरू करने का एक पहल करने के लिए वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए सेशन यहाँ पर हम लोगों ने आयोजित किया। लगभग कितने कैदियों ने हिस्सा लिया? यहाँ पे 25 कैदियों ने हिस्सा लिया। मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं असेसर हूँ। मेरे साथ में गौरव नामदेव जी हैं, जो सागर से आए हुए। केंद्रीय जेल जबलपुर में समय समय पर बंदियों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें से सेंट्रल बैंक के माध्यम से बंदियों को 15 दिवस का एक प्रशिक्षण दिया गया। ये पेपर के बैग, थैले और डॉल, ये छोटे छोटे कलाकारी वस्तुएं जो बच्चों के खिलौने टाइप के रूप में होते हैं, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और बंदियों ने बड़े ही अच्छे लगन से यह प्रशिक्षण हासिल किया और काफ़ी कुछ वेस्टेज जो पेपर रहते हैं, इनसे सामग्री बनाए हैं जो आपके द्वारा देखी गई है। और निश्चित ही यह है कि बंदी बाहर निकलने के बाद ये कुछ प्राइवेट अपना काम करेंगे, जिसमें इनको लाभ मिलेगा। और इसमें इस बैंक द्वारा इसमें लोन की भी, ऋण लेने के लिए भी कहा गया है कि यदि बंदी जाते हैं, यदि शिक्षित हैं वो, तो योग्यता रखते हैं, तो उनको इसमें लोन भी दिया जाएगा, तो अपना रोजगार स्थापित कर सकेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।